वेलकम अगेन और गुड मॉर्निंग विद सभी में. ये है हेल्थ सेगमेंट और स्पेशली होम रेमेडी फॉर किड्स. मैं कभी बच्चों को नहीं भूलती. अच्छा, बात हो रही थी पहले, हमने बताया कि बच्चों का इम्यून सिस्टम, होम रेमेडी बताई. अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो है माइंड वो बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि ज़हीन बच्चे जिसे हम कहते हैं, तो उनकी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए. तो हम बच्चों को क्या टेक केयर कर सकते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी. हम चलते हैं ओवर टू शाह नज़ीर साहब के पास. जी शाह साहब, होम रेमेडी कौन कौन सी है? दो जी, बहुत शुक्रिया सभी. हाइट बढ़ाने के लिए जिन बच्चों की या लड़कियां या लड़के जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही हो, एक आजमूदा नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूं बनाना, और इसको आप अपने घर पे बनाइए, किसी भी पंसार से मिल जाएंगी. और इसमें बहुत ही आसान तीन चीज़ें, लेकिन ये याद रखिएगा जो हाइट बढ़ने की जो एज होती है वो 14 साल से लेके 21 साल तक होती है. 14 साल से कम वाले इस्तेमाल ना करें और 21 साल से ज़्यादा वाले इस्तेमाल ना करें, ठीक है? तो इसमें टोटली आपने तीन चीज़ें लेनी है. किसी भी वजह से हाइट रुक गई हो तो इससे हाइट बढ़ेगी इंशाल्लाह. आपने लेना ये मीठी वाली मिश्री आप लेंगे, ये 100 ग्राम. यहाँ पे मैं सिर्फ डेमो करके बता रहा हूँ, ये इसका पाउडर है मिश्री का, और ये है सिंगाड़ा, फुल फॉर्म कैल्शियम होता है ये. ये हड्डियों के लिए भी बेहतर है और नशोनुमा के लिए भी बेहतर है, इससे हाइट बढ़ती है. ये भी 100 ग्राम आप लेंगे, ये सिंघाड़े का पाउडर है, लेकिन आपने साबुत लेके पहले साफ करना है फिर पाउडर बनाना है. और ये आखिरी चीज़ है मस्तगी की लकड़ी, मस्तगी रूमी एक गोंद आता है, ये उसका नहीं, उसके दरख्त की लकड़ी लेनी है आपने. ये भी आपने लेना है, ये लेना है 20 ग्राम. एक चीज़ 20 ग्राम है और दो चीज़ें 100 ग्राम है. मिश्री 100 ग्राम, सिंघाड़ा 100 ग्राम और मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम. इसको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें. एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, एक गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करें. साथ में लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम. ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करें और इंशाल्लाह 4 से 6 इंच कद बढ़ जाएगा आपका. और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो भुलक्कड़ होते हैं, कोई भी काम बोलो भूल जाते हैं. किसी भी चीज़ में ये है कि मेमोरी लॉस होती है, बास की शॉर्ट मेमोरी लॉस होती है, बास की अक्सर बातें ऐसी भूल जाते हैं कि जैसे अभी पूछा है मुझसे. तो अपनी मेमोरी को बेहतर करने के लिए आपने लेना है सिर्फ एक ही चीज़, इससे नींद के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है. ये है मगज़ बिनोला. मगज़ बिनोला ये कपास के बीज होते हैं, ये उसका मगज़ होता है. ये हर पंसार की दुकान पे मिल जाता है. इसकी आधी चाय वाली चम्मच एक गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोज़ाना पिए और पूरा दिन आप एक्टिव भी रहें, और साथ में आपकी जो मेमोरी है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी. ये 10-12 साल से लेके 70 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल से कम उम्र वालों को मैं बेसिकली तौर पे मैं कहता हूँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया करें. गुड, ठीक है. और ये बेखतर बेनुकसान वाली चीज़ें आप बेफिक्र होकर यूज़ करें इससे, क्योंकि इससे स्ट्रेस लेवल भी नीचे आता है, आपकी नींद भी बेहतर होती है. आमतौर पर भी आप कोशिश करें पानी ज़्यादा पिया करें, नींद पूरी किया करें और वॉक किया करें, आप बीमारियों से दूर रहेंगे. अच्छा, ये हाइट ग्रो ये हाइट के लिए जो मैंने बताई है वो टोटली तीन चीजें बताई हैं जिनके अब कद नहीं बढ़ रहा, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो. आपने लेना है मिश्री 100 ग्राम, सिंघाड़ा 100 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम. तीन चीजें ये, ऐसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, एक गिलास दूध या पानी के साथ कंटिन्यू 3 महीने यूज करना है. और साथ में लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करनी है 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम. और अगर मेमोरी जैसे आपको याददाश्त आपकी बहुत कमजोर है, आप हर चीज भूल जाते हैं, सोडा लेने जाते हैं भूल जाते हैं. अब ये हो गई, एक हाइड्रो की कंप्लीट हो गई, ये हाइट की कंप्लीट हो गई. सेकंड होम रेमेडी डॉक्टर साहब बताएंगे वो जिन बच्चों के दिमाग बहुत कमजोर हैं, जो स्टडी करते हैं उनके लिए स्पेशल होम रेमेडी टू स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए. स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए आपने लेना है सिर्फ एक ही चीज, मगज़ बिनोला, ये वाली जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई है. अच्छा, सिर्फ एक ही चीज है, कपास के बीज होते हैं ये. अच्छा जी हाँ, ये उसका मगज़ है, इसका छिलका उतार के ऐसे मगज़ निकलता है उसमें से. और इसकी आधी चाय वाली चम्मच एक गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोजाना किसी भी वक्त पिए आप. अच्छा। और आप देखिएगा कि जैसे आप सुबह में इस्तेमाल करते हैं आपका पूरा दिन एक तो एक्टिव गुजरेगा, दूसरा ये है कि आपकी मेमोरी लॉस नहीं होगी. आप कोई भी चीज लेने जाएंगे आप भूलेंगे नहीं. बाद लोग तो किचन तक जाते हैं, कहते हैं मैं क्यों गया था. अरे यार, गजनी वाले और दिमाग हो जाता कभी कभी. हाँ हाँ, याद आ जाता 10 सेकंड के बाद, अरे ये क्या करी थी. अच्छा अच्छा, दुकानदार को पैसे देने के बाद भूल जाते हैं. नहीं, ये तो कभी भी ना भूलना चाहिए. हाँ, अच्छा मैं सोदा बड़ी वो करके भाव ताव से ले लेती हूँ, जाते कहते वो बाजी वो आप अपनी शॉप पर तो भूल गई. अच्छा, इतनी देर से लगी हुई, इतने का लूंगी
वो होता है ना कि ये गोटा इतने का लेना, कपड़ा इतने का लेना, और पूरा शॉपर वहीं छोड़ के आ रही हूँ। हाँ, तो ये आपकी मेमोरी इससे बेहतर हो जाएगी। एक ही चीज का एक ही काम देखिए आप इसका, इंशाल्लाह ताला आपकी खुद कॉल इस शो में आएगी कि आपको कितना फायदा हुआ। चले जी, थैंक यू सो मच। हम रानी आपा के पास चलते हैं, और रानी आपा ये बताइए, जैसे भी शाह साहब ने जो बात की और माइंड की, आपने माशाल्लाह बताई होम रेमेडी, उन्होंने बहुत अच्छी बताई, और मैं साथ साथ नाज़रीन आपको बताऊंगी कि अभी एक और होम रेमेडी बिल्कुल रेडी है, और वो है मुस्तफ़ा साहब लेकर आए, उनको भी हम बताएंगे कि वो डायरेक्ट आज हम लोगों ने होम रेमेडी पे डिस्कस करनी है, क्योंकि बच्चों को अक्सर हम लोग स्किप कर जाते हैं और बच्चों की ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन मैंने अक्सर देखा है वो माएँ बड़ी परेशान होती हैं जिन बच्चों की जो है वो हड्डियों में बहुत दर्द होता है, और सुबह ख़ास तौर पे वो अलकसी महसूस करते हैं, बहुत सुस्त रवि का शिकार होते हैं, और वो उनकी माएँ आवाज़ें लगा रही होती हैं, उठो बेटा स्कूल का टाइम है, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं बहाल हो रहा होता। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह आपा ने बड़ी अच्छी होम रेमेडी दी, और शाह साहब ने भी बताई कि बच्चों का जो माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा। और एक बात बताऊँ, कॉन्फिडेंस कहाँ लैक होता है, जब बच्चा जो है वो अगर उसकी हाइट कम हो और वो कहीं पर उसको कुछ पिंच किया जाए, या कोई उसके बालों का मसला, उसके कलर कॉम्बिनेशन में हो, तो ये तमाम चीज़ें बच्चों के कॉन्फिडेंस भी लेकर, और स्टडी में वो वीक हो, बार बार फेल हो रहा हो, तो ये क्या होता है, उसकी ऐसी उसकी कंडीशन हो जाती है कि वो कहता है कि मैं अभी स्टडी ना बरकरार रखूँ। लेट्स सी, बड़ी अच्छा है, आप अपने बच्चों को ज़रूर दें। हम चलते हैं हर्बलिस्ट, ऑफकोर्स रानी आपा तो सीनियर हैं, फिर उनके वालिद जो है उनके हस्बैंड मतलब मुस्तफ़ा के, तो वालिद साहब और आपा के हस्बैंड, माशाल्लाह ख़ानदानी हकमत चल रही आ रही है। और मैं चलती हूँ मुस्तफ़ा नी साहब के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह के अल्लाह के माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त बनाना शनाना कोई फल लेकर आ गए जी। आज हमें तो ड्राई हर्बल नज़र आ रही थी, अब कुछ अल्लाह अच्छा अच्छा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आज हम मनाया एक दवा, उसका नाम है अक्सीर बदन के नाम से। इससे क्या होगा अक्सीर बदन? अक्सीर बदन मतलब ये है पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को तकवियत देगी। ये दवा बना रहा हूँ, ये दवा अल्लाह के हुक्म से सबसे पहला तो इम्यूनिटी के लिए है, दूसरा निज़ाम हजम के लिए है, तीसरा खून की डेफिशिएंसी के लिए है, चौथा दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए है, पाँचवा किसी भी एतबार से बॉडी में कोई कमी है विटामिन्स के एतबार से, मिनरल के लिए और कैल्शियम के लिए, या अमूमी तौर पर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से एक तो उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, दूसरा पेट फूल जाता है, भूख कम हो जाती है, कब्ज़ हो जाता है। तो इन सेंस देखा जाए तो ये वाहिद दवा है या ये हतमी दवा है जो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला इन बॉडी के हर ऑर्गन तकवीत भी देगी। इससे सबसे पहला तो जिन बच्चों का रंग ख़राब होता जा रहा है, या तबीयत में थकावट रहती है, या जिन बच्चों की निगाह दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, इंशाअल्लाह ताला ये रेमेडी अल्लाह के हुक्म से उसके लिए बहुत करामत है। जी हम इसको दोबारा अगेन रिपीट करते हैं, इस होम रेमेडी का नाम है आपके बॉडी के तमाम इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करता है। इज इट क्लियर? बिल्कुल जी। चले जी मुस्तफा भाई, इसमें लगे। अच्छा जी, हमें लेना है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो खजूरें। ओके, फुल न्यूट्रिशन। दूसरा हमें लेना है इसमें 7 बादाम। गुड है, स्ट्रॉन्ग। तीसरा हमें लेना है इसमें एक चुटकी, समझ लें आप इसको, चारों मगज। ठीक है। क्वार्टर टीस्पून लेना है इसमें बरहमी बूटी। बरहमी बीजी, बरहमी बूटी। ठीक है। क्वार्टर टीस्पून लेना है इसमें बधारा कंद। ठीक है। और उसके बाद हमें लेना है इसमें क्वार्टर टीस्पून मुस्तगी रूमी। ओके, ठीक है। बस इन 500 चीज़ों को जो है वो ग्राइंड कर लिया जाए। जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो फिर इसके अंदर आपने एक केला तोड़कर काट कर डाल देना है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं, और ये दूध मिला के एक शेक बन जाएगा। अरे, और ये शेक दिन में एक मर्तबा जब भी मौका मिले तो उस वक्त पी लें। सबसे बेहतरीन काम ये होगा कि जब बच्चा शाम को थक हार के घर में आता है तो उस वक्त उसको पिला देंगे, तो उससे दो फायदे होंगे। सबसे पहला जो बच्चे की थकन है वो उतर जाएगी, दूसरा नॉर्मली तो मैंने भी एक जिक्र किया कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। हाँ। जिसकी वजह से उनके घुटनों में जिस्म में दर्द रहना शुरू हो जाता है, तो वो दर्द नहीं होगा। तीसरी बात ये कि जब बच्चे आ जाते हैं तो उस वक्त उनका पढ़ाई करने का मूड
खत्म हो जाता है, तो बिल्कुल लिठालिक हो जाता है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर बच्चे जहनी तौर पर जिसमें तो बहुत एक्टिव हो जाएंगे। और चौथी बात ये कि जब ये मामला होते हैं तो बंदूक बच्चों की निगाहें कमज़ोर हो जाती हैं या आंखें भारी हो जाती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इस रेमेडी के इस्तेमाल करने से कभी वो उनका चश्मे का नंबर बढ़ेगा नहीं, और जिन बच्चों को नहीं लगा हुआ अल्लाह के हुक्म से कभी वो लगेगा भी नहीं। जबरदस्त यार, ये बड़ी अच्छी होम रेमेडी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एनीथिंग एल्स? ओके, चलिए जी, मैं आपसे बात करती हूं। और जी जी जी, श्योर श्योर। ये उन लड़के और लड़कियों के लिए भी बेहतर है जिनका वेट नहीं बढ़ता, सूखे पिचके गाल होते हैं, ये उनके लिए अच्छा, बेहतर है। इनको एक बार फिर आपने बताना है कैमरे की जरूरत, मैं जरा आपस से बात करूं फिर आपकी तरफ, ताकि फोकस हो ना सर के बारे में बात करते हुए। अच्छा, आप नहीं आप नहीं, देखिए हम लोग जैसे एलोवेरा, कुछ लोग बोलते हैं एलोवेरा, कुछ बोलते हैं कुआरकंदल, कुछ बोलते हैं उसका दो तीन नाम है, घी गवार। तो हर बंदे का एक अपना एक स्टाइल है बोलने का, लोगों को समझ में आना चाहिए। और वो अवेलेबल हो जाती है, आप जब पंसारी की दुकान पे जाते हैं तो आपको अवेलेबल होती है। अच्छा, आप ये जो बच्चों की वीकनेस है इसकी बात हम जब करते हैं, तो इनिशियली हम शुरू से ही किस एज से बच्चों को, एक तो माँ का फीड जो 2 साल तक देते रहते, उसके बाद हम कब उनके डाइट को स्ट्रॉन्ग लेवल पे हर्ब्स में लेकर आए? जी, सबसे बड़ी बात देखिए, 3 साल तक के बच्चों को अगर दिमागी तौर पर या जिस्मानी तौर पर हम तेज़ी के साथ बूस्ट करना चाहें तो 3 साल तक के बच्चों को कुछ ना करें। 3 साल के बाद जब बच्चा स्कूल गोइंग हो जाता है तब हमें ज़रूरत होती है कि बच्चा पढ़ने में एक्टिव हो जाए, पढ़ाई में दिल लगाए, खेलों में दिल लगाए, मतलब उसके बाद से उसकी एक प्रैक्टिकल सी लाइफ शुरू हो जाती है। 3 साल तक के बच्चे के लिए, बल्कि शीरख्वार बच्चों के लिए, माँ उसके लिए एक टॉनिक है, माँ उसके लिए दवाई है, माँ उसके लिए मदरसा है, माँ उसके लिए हिकमत की पुड़िया है, माँ उसके लिए आगोश है, माँ उसके लिए सुकून की आगोश है, माँ उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का जरिया है। सही। जो कुछ माँ की सोचे हैं, माँ का इंटेक है, वो बच्चे के अंदर मुंतकिल होता है। तो मैं ये कहूँगी कि माँ को स्ट्रॉन्ग बनाए, हमें अपनी माँ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। देखिए, मैं बहुत ही एक फैमिली मैटर की तरफ आना चाहूँगी कि और मैं समझती हूँ मुझे आना भी चाहिए, वो ख़वातीन जो इस मरहले से गुजर रही होती हैं कि बच्चियाँ वो इस मरहले से गुजर रही होती हैं कि आपकी फैमिली को एक खुशी देने वाली होती हैं, तो उस वक्त ख़ास तौर से सासों को चाहिए कि वो अपने रवैये में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा करें और उस बच्ची को जो कि उनकी बहू है हर तरह से सपोर्ट दें। खाने का बेहद ख्याल रखें, उसके आराम का ख्याल रखें, उसको जहनी टॉर्चर ना करें, उसके जिस्मानी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उसको ऐसा चारों तरफ उसका सिनेरियो बना दें कि वो बच्ची अपने आप को बहुत सिक्योर फील करे। जब तो ये एक सास अपने आने वाली नस्ल को बेहतरीन और शानदार पैदा करने के लिए ये बातें अपने अंदर पैदा करें, तो आपकी बहू एक आपके बच्चे को शानदार मुस्तकबिल देगी, वो बच्चा जो आपके कल के खानदान का जिम्मेदार बनेगा। बिल्कुल, नस्ल जैसे देखो, बहुत अच्छी एक बटन से नसल, हाँ। एक और एक जिंदगी जी पैदा हो रहा है, तो इसीलिए उसका बहुत केयर करना चाहिए। जो सासें टॉर्चर करती हैं, परेशान करती हैं, खाना तंग करती हैं, ये बहुत दूर तक बात चली गई। आप लोगों ने तो वो मसाइल का बात है। शाह साहब की कह रहे हो, सही कह रही है, कुछ ऐसे मैं तो इतना जानता हूँ सास भी कभी बहू थी। ओ तेरे घर ये मैं कहूंगा, बिल्कुल सही कह, सभी वो भी बहू होती थी, अगर उसके साथ कोई ज्यादती होती थी तो आप उस चीज को मद्देनजर रखिए, तो आप आने वाली बहू के साथ तो ना करें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कुछ अपनी अपनी खोर आगे निकाल होते हैं, कुछ लोग कहते नहीं हमारे साथ कोई इसके नहीं, साथ कुछ की नेचर हो जाती है, लड़ने का मैं भी करूंगी, ये कम लोग सोचते हैं। माशाल्लाह से मेरी 3 बहू हैं माशाल्लाह, और मेरे पोते भी हैं माशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो 3 बेटियां हैं, जो चीज मैं उसके लिए खरीदता हूँ वही मैं अपनी बहू के लिए भी खरीदता हूँ, उसका कलर भी चेंज नहीं करता, मैं कहता हूँ कहीं उसके दिल में ये बात ना आ जाए कि मेरे लिए गलत कर लूं। अच्छा। तो मैं जब रात को घर जाता हूँ तो वो सब मेरे साथ बैठी हुई होती हैं, तो जब मेरे बेटे आते हैं ना घर पे तो वो मुझे यही कहते हैं, कहते हैं अबू तुमने बहुओं पे कोई जादू किया हुआ है क्या? मैं कहता हूँ नहीं यार, ये मेरी छोटी वाली बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये सब मेरी बेटियां हैं, ये हमारे लिए अपना घर बार छोड़ कर आए। ये रवैया तो होता है, मैं अच्छा हूँ ना तो सब अच्छे हैं, मैं ये कह सकता हूँ।
आप कोशिश कीजिए, आपके घर में एक दो तो अच्छे होंगे जो दूसरों को भी अच्छा बना देंगे। ग्रेट। अच्छा मुस्तफा, अभी आपने होम रेमेडी बताई, माशाल्लाह तो आपने कोई बात ही नहीं, वो आपकी बात हो गई, मेरे घर पे कोई नहीं सुनता, आप सुन लें प्लीज। आपके लिए एक्सक्लूसिव शो, सुने सुने, आपके लिए मैं एक एक्सक्लूसिव शो बनाऊंगी जिसमें शाह साहब बात कर रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं रोने शुरू हूं, मुझे चुप कराने वाला भी कोई नहीं। मेरा सोना शहजादा बोले बोले हम आपकी। अच्छा मैं एक चीज बता रहा था कि वो बच्चे, वो लड़कियां, वो लड़के जो इस वक्त ग्रोथिंग एज में अपनी, तो अगर आपका वेट कम है, पिचके गाल हैं, सूखी कलाइयां, आप कोई चीज नहीं खा सकते हैं, आप स्वीट पोटैटो तो खा सकते हैं, यानी शकरकंदी। शकरकंदी से वेट बढ़ता है, और ये उन बच्चियों के लिए भी बेहतर है स्वीट पोटैटो, जिन लोगों को अक्सर लूज मोशंस की शिकायत रहती है, ये लूज मोशंस को भी बंद करती है। आईबीएस जो इरिटेबल बॉल सिंड्रोम कहलाता है, अक्सर आदमियों को, औरतों को हो जाती है, जिसमें घबराहट, बेचैनी होती है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, कोई भी खबर सुन लेते हैं तो दिमाग चलने लग जाता है, उसके साथ पेट भी खराब हो जाता है, तो ये आईबीएस कहलाता है। और बाज़ लोगों का यूरिन चलने लग जाता है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप स्वीट पोटैटो इस्तेमाल करें, आपको यकीन कीजिए IBS में बड़ा फायदा करेगी। अच्छा मुझे ये दो चीजें बहुत ज्यादा होती है, एक तो एसिडिटी बहुत होती है, ज्यादा टेंशन से ना मेरी खुराक वापस आने शुरू हो जाती है, और हाँ मुझे बहुत मतलब अजीब सी मेरी फीलिंग होती है, वो हजम ही नहीं होता खाना, ऐसे लगते नालियों में महसूस करती हूँ, और यूरिन बहुत ज्यादा आते हैं, ये बहुत दोनों दोनों चीजें है। अगर ऐसी सूरत हाल हो, आपने सिर्फ अरके पुदीना इस्तेमाल करें, आधा कप सुबह आधा कप शाम, एक ही चीज, आप देखिएगा ये जो रिफ्लेक्स होता है ये भी ठीक होगा, तेजाबियत भी दूर होगी। अगर आपको मैदे में अल्सर की शिकायत है, आप एक चम्मच इस पोल छिलका और एक बूटी आती है रेवन चीनी, उसकी एक चुटकी एक गिलास पानी में मिला के दिन में दो बार पिए, आप कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, आपका अल्सर भी ठीक होगा और एच पेलोरी का बैक्टेरिया भी नेगेटिव हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा, ऑफ कोर्स आपने अभी होम रेमेडी, और ज़हीन बच्चों के लिए होता है जो हाफिज़ कुरान होते हैं, स्टडी करते हैं, क्लासेस वगैरह उनकी होती हैं, तो आगे आपने अभी बताया कि दिमाग के लिए, हर चीज़ के लिए आपने बताया कि वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है वो होम रेमेडी। टाइमिंग क्या है, कौन सी एज वाले ले सकते हैं, कि जरा इसको 3 साल के बाद की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक इसको दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे मुताबिक 6 साल की उम्र तक जो है वो दिमाग डेवलप होता रहता है, ठीक है, 6 साल की उम्र के बाद जो दिमाग सलाहियतें हैं उनमें इजाफा होता है, लेकिन दिमाग का बढ़ने वाला अमल वहीं पर रुक जाता है, तो इसकी वजह से 12 साल तक इसको लेते रहेंगे तो सबसे पहला तो अल्लाह के हुक्म से इससे दिमागी जितनी भी क्या बोला जो दिमाग ब्रॉड होता रहेगा, आपका सोच या टेंशन वाला एलिमेंट नहीं होगा जी। तीसरी मुस्तफा की बात को थोड़ा सा बढ़ा लिए कि देखें बच्चे छोटे होते हैं, 12 साल तक की उम्र वाले इस्तेमाल करें, क्यों कि ये ग्रोथिंग एज में होते हैं, इससे कम उम्र वाले बच्चे होते हैं वो थोड़े से शीरख्वार में शुमार होते हैं, ठीक है, जैसे 2 साल 3 साल वाले शीरख्वार में शुमार होते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है अपने मॉलेज से मशवरा करके कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कराएंगे, और जो 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं वो ये रेमेडी इस्तेमाल करें, हेल्दी नज़र आएँ दिमागी तौर पे भी और आसाबी तौर पे भी। क्या तमाम चीज़ें, और ये तमाम चीज़ें ये होता है कि जब कोई एक रेमेडी आप तक मुंतकिल होती है, आप तक पहुंचती है, तो आप हस्बे उम्र उसमें कमी और बेशी कर सकते हैं कि बड़े को ज़्यादा ज़रूरत है, ऑब्वियसली बच्चों को कम ज़रूरत है, तो आप उसके लिहाज से, क्योंकि वो एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि हर्बल का चूंकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो इसलिए इसको बच्चे बूढ़े जवान इस्तेमाल कर सकते हैं ये सोचे बगैर कि हाँ ये दूँगी तो इसका कोई नुकसान हो जाएगा। हाँ चीज़ों की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, और बरहमी बूटी खुदा की तरफ से एक ऐसा बेहतरीन तोहफा है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कुन जहन से कुन जहन बच्चों की सलाहियतों को तेज कर देती है, और जो हाफिज़े कुरान बच्चे हैं और जो बच्चे कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं उनके लिए मुस्तफा की जो रेमेडी है इसको जरूर फॉलो करें। मेरे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी समीत सब लोग ये इस्तेमाल कर, हाँ, जो कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं उनको बहुत जरूरत है। आप इस मैं सोच रही हूँ कि हम लोग शाह साहब भी हैं, अनीस भी हैं और आप भी हैं, नेक्स्ट मंडे मैं पहले से ही मेंशन कर दूँ बेहतरीन होम रेमेडीज होंगी, इसी तरह वन बाय वन हम आपको प्रेजेंट करेंगे, और वो होंगी न्यू बॉर्न बेबी अगर उनकी मदर को क्या ज़रूरत है, वो क्या चीज़ खाती हैं, उनके बारे में गुफ्तगू करें। आप सबका आने का बहुत शुक्रिया है, थैंक यू सो मच शाह साहब, अनीस भाई एंड अरानी आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।